Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ भाई GTA Online जैसा गेम, वो भी अपने फोन पर। देखो यार, आप लोगों ने मुझे कई बार देखा होगा कि मैं GTA 5 खेल रहा हूँ, GTA Online खेल रहा हूँ, रोल प्ले खेल रहा हूँ, जहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अलग अलग सुपर कार्स में रेस कर रहा हूँ, गैंग बना के फाइट कर रहे हैं, बैंक में चोरियां कर रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ रहे हैं तो पुलिस को भी पीट रहे हैं। तो ये सारा मल्टीप्लेयर मजा अब मैं अपने फोन में भी ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही बढ़िया गेम मिला है, ग्रैंड क्रिमिनल ऑनलाइन। भाई इस गेम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल GTA ऑनलाइन जैसा ही है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इस गेम को खेलने जा रहा हूँ अपनी अल्टीमेट गेमिंग मशीन Samsung Galaxy S23 Ultra में with zero lag। भाई वैसे आप मानोगे नहीं, इस टाइम पर Amazon Great Indian Festival सेल चल रहा है और ये फोन 69,999 रुपीस में मिल रहा है। सही है यार, इस प्राइस पॉइंट पे Snapdragon 8 Gen 2, वो भी 2.7x वेपर चैम्बर के साथ, जो फोन को बिल्कुल हीट नहीं होने देता, यानी नो हीट नो लैग। ऑलराइट गाइस, तो गेम स्टार्ट हो चुका है और मैं डगन माफिया की बेटी सगन माफिया को लेकर आ चुका हूँ डायमंड कैसीनो में। जैसे GTA Online में होता है ना कैसीनो, सेम यहाँ पर भी कैसीनो है भाई, और बहुत सारे लोग इधर आ रखे हैं भाई घूमने फिरने। इस जगह का नाम है अर्मेस बिजनेस सेंटर। खैर ये सब छोड़ो यार, यही अपना घर है, यहीं पर हम लोग रहते हैं। आज ना मुझे बहुत सारे काम है, और एक बार ऊपर देखो, यू हैव लेफ्ट द सेफ एरिया। इस जगह से बाहर निकलते हम लोग आ चुके हैं डेंजर जोन में। मैं आप लोग को बता दूं भाई, इस शहर में ना बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लोग घूम रहे हैं, कोई गलत गाड़ी चला रहा है तो कोई खाली पीली आके हमें मार भी सकता है। ऐसा नहीं, डरने वाली बात नहीं, पुलिस भी है, बट अगर गैंगस्टर खतरनाक हो ना तो यार पुलिस बेचारी क्या ही कर लेगी। खैर छोड़ो यार, सामने ना एक मस्त बर्गर वाले की दुकान दिख रही है मुझे, क्या बेच रहा है भाई तू? वेट यार, सच में इस पे बर्गर वगैरह है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट, $1,000 का बर्गर। चलो कोई बात नहीं, खा लेते हैं। देखो मुझे भूख नहीं थी, बट मैंने सोचा कि इसकी थोड़ी बोनी करा देते हैं, थोड़ा पैसे वैसे कमाएगा, ये भी थोड़ा अमीर बनेगा। बाकी अमीर से ज्यादा हमारे पास भी इस गेम में ज्यादा कुछ पैसा है नहीं। वैसे एक सेकंड यार, गेम का मैप मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी छोटा होगा, बट अच्छा खासा बड़ा मैप है। प्रॉपर एक मस्त सिटी है इस गेम में, जहाँ पर सबके पास अलग अलग जॉब है भाई, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो कोई कुछ काम कर रहा है। और ये देखो, यहाँ पर कुछ बंदे आवारा गए। एक सेकंड, मुझे शॉटगन मिला। एक सेकंड शॉटगन रखते हैं पहले अंदर। हाँ, इनसे मिलकर आते हैं भाई। यहाँ पर कुछ ऐसे गैंगस्टर भी घूमते रहते हैं, ये खड़े, इनसे जाकर मैं एक मुक्का बजा दूं। ले ओपे, तेरे पास भी गन है? तेरी है। इधर आ, निकल यहाँ से, मुझे मारेंगे। हल्के में ले रहे हो क्या भाई? वो सब ठीक है, अच्छी बात है, पुलिस केस नहीं हुआ। पहले मैंने ही पंगे लिए थे जाके। हेल्थ ले लेता हूँ और एक गन ना अंदर रख लेते हैं। यार देखो, इस शहर में ना आते ही मुझे किसी एक बंदे का कॉल आया था, और उसने मुझे कोई तो एक मिशन दिया है। मिशन पर जाने के लिए भाई गाड़ी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो एक गाड़ी चोर भाई, लिटरली एक सायरन बज रहा है। वेट भाई, सचमुच में मस्त है, ए टू जेड चीजें हो तो रही है। लेट्स गो भाई, गाड़ी लेकर चलते हैं उस मिशन। अरे बस भाई, हो गया सायरन। हाँ बस, तो यहाँ से 80 मीटर दूर मुझे कहीं पर जाना है। ओ वेट एक सेकंड, जिस बंदे ने मुझे काम दिया था, उस बंदे ने मेरे लिए गाड़ी अरेंज कर रखी थी। तो छोड़ो भाई, इस गाड़ी में नहीं हम लोग जाएंगे भाई, इस गाड़ी में जो कि मेरे को किसी बंदे ने दी थी। लेट्स गो, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है क्या? ओ वेट, हेलीकॉप्टर भी है। सही है भाई, सही है। चलो तो मुझे ना यहाँ से 150 मीटर दूर कहीं तो जाना है, और मेरा मिशन है बीट अप द स्ट्रीट मर्चेंट्स। कौन है भाई स्ट्रीट मर्चेंट? अभी इधर तेरे को बताता हूँ मैं कौन है। ओबे गोली मार रहा है, ओ तेरी की। इधर आइए, रुक जा, तेरे पे गाड़ी चढ़ा दूँ। इधर ले, मार गोली मार, हल्के में ले रहा है भाई। रुक जाओ यार, उससे मुझे ना गन मिली है, गन उठा लेता हूँ। तो अपना काम तो हो गया, और देखो यार अपने पास ना एक फोन भी है। फोन के अंदर हमारे पास अपना खुद का एक बैंक है, जो कि जब हमारा लेवल 10 होगा तब खोलवाएंगे। पर्सनल व्हीकल, फिलहाल के लिए तो भी मेरे पास खुद की कोई भी गाड़ी नहीं है, बहुत सारे मिशन है भाई। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठते हैं और अभी चलते हैं दूसरी लोकेशन पे। ओ तेरी, अबे का अंधा है क्या? रुक क्यों जरा, इसको पीटूंगा। आओ, बंदा मुझे मारने का ट्राई कर रहा है, भागा ऐसे घटिया आदमी। वैसे कुछ भी कहो यार, इस फोन में गेम खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि यार इस फोन में 6.8 इंच का QHD डायनेमिक AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और तो और भाई अडेप्टिव विजन बूस्टर भी है, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। बाकी ठीक है यार, फटाफट से ना वापस यहाँ से तेरी। ओके, तो वापस से हम लोग आ चुके हैं अर्मेस बिजनेस सेंटर में, और शायद से जो हमने वो काम करा था ना, उस काम की पेमेंट हमें ये बंदा देने वाला है। इसी बंदे ने मुझे कॉल करके मिशन दिया था, तो इससे एक बार बात करते हैं। ओके, of the street trade, don't forget to pay the dealers a visit from time to time, and you will always have a cash on hand, not a ton of course, but enough to get a okay, ठीक है
इसने भाई मुझे $15,000 दिए भाई इतने छोटे से काम के। भाई देखो पैसा कमाना ना इस गेम में मेरे को आसान तो लग रहा है। जो कि अपना ना घर बेच रही है तो कह रही है कि तुम स्टार्टिंग के लिए जाकर वो वाला घर खरीद सकते हो। तो फटाफट से गाड़ी निकालते हैं। इसने ना यार हमें मस्त गाड़ी वाड़ी दे दिया तो ज्यादा किसी चीज की टेंशन नहीं है, इसी की गाड़ी लेते हैं और फटाफट से हम लोग चलते हैं उस घर को खरीदने के लिए। वो घर यहाँ से थोड़ा बहुत दूर है। अरे वेट यार, यहाँ पर सामने ना टैक्सी स्टैंड भी है। एक मिनट यार, गन अंदर रखो। पता चला टैक्सी वाला डर के भाग जाए कि मैं उसे मारने आ रहा हूँ या टैक्सी राइड के लिए आ रहा हूँ। वैसे क्या मैं टैक्सी चुरा सकता हूँ? यस, टैक्सी चुरा सकते हैं भाई, खुद ही चलते हैं ना टैक्सी लेके। ओ भाई वेट, फास्ट है भाई काफी। और इसकी मेरा ड्राइविंग का भी बहुत सही सीन है। देखो मैं ना प्रॉपर ड्रिफ्ट मार सकता हूँ। एक बार मार के तो देखे पहले, 1, 2, 3। ड्रिफ्ट मारने के लिए कार थोड़ी अच्छी होनी चाहिए और स्किल भी, जो कि अभी धीरे धीरे डेवलप होगी इस गेम के हिसाब से। एक बार अगर यहाँ से कूदा दूं, वो एक मिनट आओ। ठीक है चलो भाई, जिस घर पे मुझे जाना था ना मैं उस घर के काफी पास पहुंच चुका हूँ। अगली वाली गली में ही है वो कहीं, तो चल के देख के तो आए कि भाई आखिर कैसा घर है। ये है वो वाला घर। वेट, गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी यहाँ? पार्किंग क्या ही मिलेगी, इधर ही लगाएंगे गाड़ी गली के अंदर। बस कोई ठोक ठाक के ना चले जाए रात में। वैसे अपनी गाड़ी थोड़ी है, जिसकी होगी उसका नुकसान है। अभी हमने गाड़ी ही नहीं खरीदी। इकोनॉमी क्लास अपार्टमेंट पर चल के देखते कैसा है। भाई देखो GTA ऑनलाइन में भी घर खरीद सकते थे, घर खरीदना पड़ता था, और यहाँ पर भी वैसा ही सीन है। तो एक घर का हॉल ऐसा है, किचन एरिया अपना ऐसा मिल जाएगा, बाथरूम कुछ ऐसा है और गैराज भी है। नाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फटाफट से ले लेते हैं। ओके लेट्स गो। हम लोगों ने पहले ही दिन अपना घर भी खरीद लिया। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोगों ने अपना पहला घर जो खरीदा है उस घर के अंदर मैं आ चुका हूँ। भाई मस्त रेडियो वीडियो बज रहा है यार। एक मिनट, कहाँ बज रहा है? ये है क्या रेडियो? एक मिनट, इसको बंद कैसे करना? अरे बंद हो जा। ओके ठीक है, तो रेडियो को हमने बंद कर दिया। अरे बंद हो जा भाई, एक सेकंड, शायद ना रेडियो ने टीवी चल रहा है। भाई टॉम एंड जेरी चल रहा है क्या? एक मिनट भाई, क्या कार्टून चल रहा है भाई? लिटरली यार इस गेम में टीवी पे टॉम एंड जेरी ऐसा कार्टून चल रहा है। टॉम एंड जेरी नहीं है, इसका वॉल्यूम बंद हो जा। शोर मचा रखा है, मैंने म्यूट करा है, बंद नहीं करा। मस्त है यार, घर में थोड़ा पैसा वैसा यहाँ पर पड़ा हुआ था वो मिल चुका है। और ये है अपना किचन एरिया जहाँ पर मेरे लिए थोड़ा खाना है। क्या बर्गर भी है, थोड़ा सा एक्सपी। ओ भाई मस्त, ऐसे विंडो से सारा नीचे का देख। ओ वाह मस्त, मैं विंडो से नीचे का भी देख पा रहा हूँ। एक मिनट, अपार्टमेंट में इधर क्या है? इधर मेरा, चलो भाई मस्त बाथरूम है। ओ भाई मैं घर पे ना थोड़ा कैसीनो भी खेल सकता हूँ। ये देखो पता नहीं क्या मिलेगा। ओ पहली बार में सट्टा खिला रहे भाई। नहीं नहीं, और नहीं खेलना। अरे क्या जबरदस्ती का नहीं खेलना भाई। भाई बढ़िया है भाई, यहाँ पर अपना बैठ के थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी पी सकते हैं बढ़िया, और कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं। नहीं तो अच्छा है यार, अच्छा घर अपना, बुरा नहीं है। ये सामने लिफ्ट है जिससे हम लोग अपने गैराज में जा सकते हैं। गैराज देख कर आते हैं एक बार। ये सब दिख गया, बेडरूम नहीं दिखा यार मुझे। तो ये है अपना गैराज जहाँ पर मैं एक बार में अपनी दो गाड़ियाँ पार्क कर सकता हूँ। वैसे गाड़ी पार्क करने से आधा है, हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए ना, बाहर चल सकते हैं यहाँ से। गाड़ी तो है नहीं अपने पास, तो गाड़ी लेनी पड़ेगी पहले। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो। शहर में हम लोग बाहर आ चुके हैं और भाई रात में तो ये शहर और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। कुछ ऐसे लोग बाग घूम रहे हैं। एक मुझे ना चीज पता करनी थी, अगर मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं? ठीक है, तो ये लिया, इसको उड़ा दिया, मुझे मिले पता नहीं कितने मिले यार। रुक भाई तू भी पिटेगा। वो पुलिस पीछे पड़ गई, पुलिस आ गई। मैं नहीं था। भाई रात के टाइम पे भी अलर्ट तो है लोग, गोलियां चलना चालू हो गई है मेरे ऊपर। आओ 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 तेरी। अबे गाड़ी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी ले ली। पुलिस की गाड़ी उठा ली भाई, भाग जाता हूँ। मेरे ऊपर ना अभी सिर्फ उसे 1 स्टार की पुलिस है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वो एक सेकंड शहर से अगर थोड़ा, अबे सायरन क्यों बज रहा है? बंद हो, मैं पुलिस थोड़ी हूँ जो सायरन बजा के भागूंगा। भाई एक सेकंड यार, मैं थोड़े से कुछ पॉश एरिया में आ गया। यहाँ पर तो बड़े बड़े विलास हैं लोगों के, जहाँ मैं रह रहा हूँ वो अपार्टमेंट एरिया भाई, बट ये एरिया प्रॉपर मस्त। और एक सेकंड, गाड़ी इतनी तेज भगाई है, पुलिस से मस्त पीछा छूट ही गया भाई। पुलिस की गाड़ी लेके ही पुलिस से पीछा छूटा है, वाह। मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे गाड़ी छोड़ देनी चाहिए। अगर पुलिस अपनी गाड़ी ढूंढना चालू करेगी तो मेरे तक दोबारा पहुंच जाएगी। बट यार जो भी है, क्रेजी है भाई ये सिटी। रात के टाइम पे तो उनको ज्यादा प्यारी लग रही है, दिन में तो ऐसे ठीक ठाक सी थी बट रात में और मस्त है। और वेट, ये जंप है, जंप 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 जंप। नहीं, वो सीधा बिजनेस सेंटर पहुंच गए, वो ब्लास्ट हो जाएगी। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, बस ओ तेरी। यहाँ पे तो स्वॉट के बंदे घूम रहे हैं। ये मेरे को मिली थी पुलिस वालों से। अंदर चलते भाई चुपचाप। तो भाई अंदर जो अपना वो दोस्त है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ यार, क्या नाम है इसका? कास्तिल्ला। कास्तिल्ला भाई तुम्हारा पेट तो बहुत आगे निकल रहा है। ओ भाई एक सेकंड, ये बंदा तो हमें थोड़े गलत बिजनेस में डालना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई ये कह रहा है कि हमें ना कहीं तो किसी को जाके थोड़े ड्रग्स बेचने हैं, तो अभी कुछ इलीगल कामों में हमें डाल रहा है ताकि एक्स्ट्रा कमा पाए ये भी और मैं भी। तो ठीक है भाई, अभी इसका ये वाला मिशन करते हैं। एक सेकंड, पुलिस वालों की गाड़ी कहाँ है? उससे ही तो आया था मैं। अबे यार इसने अच्छी खासी मुझे वो गाड़ी दी थी, वो मुझे ले जाके संभाल के रख लेनी चाहिए थी। मेरे पास ना वैसे अभी $1,00,000 है, पता करूँ गाड़ी कितने की आती है? स्टोर में जाऊँ अगर मैं, व्हीकल्स में जाऊँ तो ये वाली जो गाड़ी तो बहुत सस्ती है, $4,000 की। ये गाड़ी महंगी है भाई, 1,60,000।
$1000 की बड़ी है। और एक ये कार है, जीप है, तो भाई अगर बाइक भी मिल जाए तो सही रहेगा यार। बाइक तो खैर नहीं है भाई, टैंक से लेकर बाइक से लेकर सब कुछ खरीद सकते हैं यार। अभी अपना बजट है यार, रुको एक बारी, तो किसी को तो मार के गई है पुलिस, उसका सामान उठा लेता हूँ यार। क्या ही खरीदूं मैं सस्ती गाड़ी, इससे बड़े यहाँ पर इतने सारे लोग घूम रहे हैं, इनकी चुरा लेता हूँ। इधर आ भाई गाड़ी दे फटाफट से, डिफेंडर जैसी है तो छोटी, डिफेंडर वैगनार जैसी है, तो वैगनार प्लस छोटी डिफेंडर, ड्रिफ्ट बढ़िया मार रही है भाई। लेट्स गो। तो यहाँ से मुझे जाना है 300 मीटर दूर कोई तो एक जगह है, वहाँ पर कुछ ड्रग्स वर्ग्स का काम है यार। देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट अब पैसे वैसे मिल रहे हैं और अमीर होना है इस गेम में तो ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई तो एक गली है सीक्रेट सी, इसके अंदर मैं, ओ वेट, प्रॉपर वैन आई है भाई, ये मुझे वैन लेनी है। ओके, तो मेरे लिए पूरी की पूरी एक वैन खड़ी करके रेडी कर रखी है। अबे पुलिस कैसे आ गई? ओ तेरी, ये क्या था सरप्राइज? अबे एक मिनट, सबसे पहला टास्क मेरा भी यही है कि मुझे पुलिस से छुपना है। ये गलियां मस्त लग रही है भाई, अंदर अगर कहीं पे छुप के बैठ जाऊंगा तो किसी को कुछ भी नहीं पता चलने वाला। नाइस, पुलिस से मैं बच गया हूँ। अब मुझे इस वैन को डिलीवर कर आना है, पता नहीं इसने मुझे कोई तो लोकेशन दिया। पुलिस वाले शायद से अभी मेरा पीछा नहीं कर, अबे अंधा है क्या भाई? टैक्सी वाले भी ना यार, जल्दी पहुंचाने के चक्कर में उसने मुझे ठोक डाला। देखो सामने जंप है, बट मैं जंप नहीं लूंगा यार अभी, थोड़ा ना चुपचाप तमीज के रस्तों से चलते हैं। बस ऐसे 300 मीटर दूर है वो जगह और मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। भाई लिटरली मैं शहर के एकदम कॉर्नर पे आ गया हूं ये वैन को डिलीवर करने के लिए। पता नहीं कैसी जगह यार ये, यहाँ से गाड़ी अंदर जाएगी भी? भाई मजा आ रहा है यार ऐसे रात में खतरनाक मिशंस करने में। लेट्स गो, वैन लेकर हम लोग इस जगह पर पहुंच गए हैं, बस मुझे वैन को इधर पार्क करना है। ठीक है चलो, काम कंप्लीट। इस काम के तो भाई बहुत सारे पैसे मिलने चाहिए यार। अच्छा ठीक है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें कस्तिला को जाके बताना पड़ेगा कि हमने वैन डिलीवर कर दी है। गाड़ी 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 यार, सच में यार खुद की गाड़ी होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे बस पागलों की तरह पैदल भागना पड़ता है और बंदा ढूंढना पड़ता है कोई। एक तो यार रात के टाइम पे ना गाड़ियां काफी कम चल रही है, बट शहर में वाइब तो है भाई, मजे तो है। रुको 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 रुको, गाड़ी दे बाहर निकलो बेटा। एक सेकंड भाई, मारने आ रहा है, भाग गया। ओ भाई ये छोटी गाड़ी भाग रही है यार, आओ अटक गई। ओ वेट 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 वेट, ये बढ़िया गाड़ी मिली ना, 2 मिनट का रास्ता 30 सेकंड में कवर करने वाली। जैसे है तो ये भी सस्ती गाड़ी है, बट मुझे ऐसा देख के लग रहा है भागेगी। अट जा अट जा अट जा। ओ भाई सारा रास्ता तोड़ता हुआ आ रहा हूँ मैं। लेट्स गो। तो हम लोग वापस से पहुंच चुके हैं बिजनेस सेंटर पे और अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं एकदम मस्त जगह पे और चलते हैं अंदर। कस्तिला से बात करते हैं, मेरे पास ना $1,00,000 है, पता नहीं मुझे कितने पैसे देने वाला है, बट अगर ये थोड़े अच्छे पैसे दे देता है ना मैं तो बड़ी वाली SUV ले लूंगा। यार देखो अभी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक टास्क इसने मुझे ओढ़ दे दिया भाई, बदतमीज आदमी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने पास गाड़ी है तो जल्दी से ये काम भी कर आते हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई रात के टाइम पे ना ये सिटी थोड़ी सी ज्यादा सेफ हो जाती है, दिन के टाइम पे तो भाई पता नहीं कहां से मिलिट्री स्वाट और ये सिटी के इतने गैंगस्टर गोलियां वोलियां चला रहे थे, आते आता बंदा गाड़ी चढ़ा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बट रात के टाइम पे ऐसा लग रहा है भाई सब लोग जाके सो गए हैं, मैं अकेला आराम से मस्त गाड़ी भगाता हुआ काम कर रहा हूँ, थोड़े लोगों को मार रहा हूँ। ओ भाई ये देखो स्टंटर्स, इनको गिरा देते हैं। इधर 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 इधर, ओए ये मैंने नहीं करा, ये गोली मारेगा मुझे लग रहा है भाई। भाई गोलियां चला दी, हटियो जरा, मारेगा, निकल भाई। अभी ना लड़ाई हो गई है, मुझे अपनी गाड़ी की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर गैंगस्टर से फाइट हुई है भाई, मैं जा किसी और काम के लिए रहा था बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे मैटर हो गया है। अभी ये कौन है? उत्तरी की, वो निकलना चाहिए भाई यहाँ से, ज्यादा लोग आ गए। मैं बोल ही रहा था भाई रात के टाइम पे एरिया थोड़ा सेफ है बट बिल्कुल नहीं, उल्टा ज्यादा खतरनाक। अब गाड़ी फूटे जाएगी, गाड़ी फूट जाएगी, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा। या तो मैं गाड़ी चेंज करके आऊँ, ये गाड़ी ले लेते हैं भाई, ज्यादा सेफ है। तेरी की भाई, ये लोग तो पागल ही हो गए थे, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इन लोग को उड़ाना पड़ेगा। अच्छा जहाँ पर मुझे जाना है वो यही जगह है, डॉज चैलेंजर खड़ी है भाई सामने। देखो ये भाई कोई तो तगड़ा आदमी है, एक मिनट रुको, हटो भाई मेरी गाड़ी है भाई, मुझे डॉज चैलेंजर मिली है। ओ वेट लेट्स गो, अबे तू कहाँ गया, ये कौन बैठ गया मेरे साथ? ओ भाई एक सेकंड, डॉज चैलेंजर चला रहे भाई, साउंड तो तगड़ा आ रहा है भाई इस गेम में भी इस गाड़ी का। यहाँ से ड्रिफ्ट, ओ वेट वेट वेट, ओ भाई प्रॉपर डाउनशिफ्ट का साउंड सुनो एक बारी, भक 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 आवाज आ रही है। वैसे मेरा भी गाड़ी, आओ अबे तोड़ मत मेरी गाड़ी, नहीं है भाई पैसे भरने पड़ जाएंगे। वैसे एक और चीज गाइस जो कि मैंने अभी अभी नोटिस करी कि इस गेम में ना ड्रोन व्यू भी है, ये देखो मैं प्रॉपर गाड़ी का ड्रोन व्यू भी ले सकता हूँ। मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, एक मिनट भाई, जिन लोगों के ऊपर मैंने गोलियां चलाई थी ना वो लोग अभी मेरे से लड़ने के लिए आ गए हैं, बट मैं अपना मिशन कर रहा हूँ यार। तो ये वही जगह है जहाँ पर मैं वो गाड़ी डिलीवर करने आया था। देखो यार मिशन के बहाने मैंने एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी चला रहा हूँ, मजा आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे, अरे अरे गैंगस्टर से, यहाँ पे मुझे इस गाड़ी को डिलीवर करना है, बस मिशन सक्सेस। अबे भाई ये ट्रक वाला ना पागल हो गया है, मुझे मारना चाह रहा है।
इसको बताता हूँ मैं, छोड़ो भाई वो अपने रास्ते क्या, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, मेरा काम होगा। बट यार जो भी है, सामने वाला घर कितना प्यारा है यार, एकदम ओशन व्यू के साथ प्रॉपर। भाई ये तो तगड़ा एरिया है भाई यार, ये वाला एरिया सचमुच में बहुत तगड़ा है, एकदम बड़े बड़े घर है और सबका सी व्यू। यार घर छोड़ो भाई, यहाँ पे गाड़ी आई है, ये ले लेते हैं और वापस चलते हैं अभी कस्तिल्ला के पास, उससे बात करते हैं। वो ये तो स्पोर्ट्स कार है, रुको भाई अभी ना गुस्सा उतारना है। ये आंटी भाई चुगलियां लगा रही हैं, पैसा दो बे, पैसों की बहुत कमी हो रही है मुझे। ओ वेट, यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रेस हो रही है, कस्तिल्ला के पास बाद में जाएंगे, पहले इस रेस पे चलते हैं। ये रही भाई, लेकिन मेरी ना गाड़ी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या पता शायद गाड़ी रेस वाले दे दे, बट नहीं यार पहले ना मुझे मिशन खत्म करना होगा। वैसे यार इस शहर में ना रेस बहुत जगह हो रही है, तो रेस खेलने दोबारा आ सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तेरी की गैंग, ओ तेरी, ओ भाई नहीं नहीं, हालांकि यार हल्की सी गाड़ी ठुकी, उतर के शॉटगन मारना चालू कर दी, बदतमीज। चलो भाई बिजनेस सेंटर पहुंच चुके हैं, अरे देखे 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 देखे, आराम से क्या पाक हुई है भाई, लेट्स गो। चलो भाग के चलते हैं, कस्तिल्ला से बात करते हैं। हाँ भाई पैसे दे। अबे भाई तू तो काम पे काम करवा रहा, भाड़ में जा। तो चलो भाई अगली सुबह हो चुकी है, वैसे तो कस्तिल्ला ने मुझे और भी काम करने के लिए दिया है। मैं सही बता रहा हूँ, कस्तिल्ला ना इस गेम का लेस्टर हो रहा है, पूरा काम पे काम दिए जा रहा है अगला बंदा। वैसे तो देखो यार अभी ना मैं जा रहा हूँ सीधा एक रेस करने, और वेट वेट वेट, मुझे पीछे कोई बढ़िया स्पोर्ट्स का, ओ भाई साहब ये देखो यहाँ पर कोई पुरानी, अरे ओ भाई ये तो गैंगस्टर लोग है, एक मिनट मुझे मारोगे क्या भाई। यहाँ पर अगर कोई तगड़ी गाड़ी दिखी तो ये मत सोचना कि उसके अंदर ढीले बंदे बैठे हैं, प्रॉपर तगड़े गैंगस्टर्स वगैरह बैठे हुए थे। ये देखो मुझे बढ़िया बढ़िया गन्स मिल चुकी है, लेट्स गो। गाड़ी में बैठते हैं और अब जल्दी से चलते हैं इस गाड़ी को कोई एक रेस के लिए। अपने को एक ही तो प्रॉब्लम आ रही थी रेस में जाने में, कि अपने पास अच्छी गाड़ी नहीं थी, बट ठीक है अभी एक अच्छी गाड़ी मिल चुकी है। अभी पागल है क्या ट्रक वाला। हाँ तो अभी मुझे एक अच्छी गाड़ी मिल चुकी है, फटाफट से चलते हैं रेस करने के लिए। फिलहाल यार अभी ना गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी S23 ना एक AI पावर्ड डिवाइस है भाई। इसमें गैलेक्सी AI नोट असिस्ट है, लाइव ट्रांसलेट का फीचर है, सर्कल टू सर्च का फीचर है, भरा पड़ा है ये AI फीचर से। वैसे गाइस एक बार इस तरफ का एरिया देखो, मैं ना अभी अपनी मस्टैंग को लेकर बीच साइड पे आ चुका हूँ और काफी बढ़िया बढ़िया भाई नजारे तो है। खैर वो छोड़ो यार, रेस कहाँ पर हो रही है मैं भूल जाता हूँ, देखो ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैप में दिख जाएगा ना। ये रही यहाँ पर रेस हो रही है, फिर ड्रोन व्यू पे चलाऊंगा गाड़ी, मजा आएगा। ये देखो, अरे रुको रुको रुको, ड्रोन पूरा उड़ा के मैं देख सकता हूँ। ये देखो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी अभी, बट मैं इस टाइम पर ड्रोन को अपनी गाड़ी के पास ला रहा हूँ, और अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो ये ड्रोन मेरी गाड़ी को ट्रैक भी करेगा। वाह भाई सिटी व्यू आ रहा है भाई पूरा, अरे दिख नहीं रहा आगेगा, बंद 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 बंद। चलो गाइस लेट्स गो, अभी मैं रेस स्पॉट पे पहुंच चुका हूँ, अंदर ही है। तो यहाँ पर होने वाली है वो रेस जिसके लिए मैं पहले आया था, बट मैं बिजी था। अभी चलते हैं भाई रेस पे, देखते क्या सीन है। स्टार्ट, यस फास्टर देन एनीवन कार वन। तो गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी हमें मिल चुका है भाई। कहाँ पे है मिशन? रीच द डेस्टिनेशन। ओके मिशन है अपना कि हमें इन डेस्टिनेशंस पे जाना है, ये रेस नहीं है, ये टाइम वाला रेस है। तो ये जो, ओ भाई ये बिल्कुल GTA जैसा है यार, ये जो एरोज वगैरह आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना भाई ये बिल्कुल GTA ऑनलाइन जैसा तो है। आउ गंदी ठोकी। तो बेसिकली मेरे को एक चैलेंज मिला है, 3 मिनट के अंदर ना मुझे ये टोटल 25 चेक पॉइंट्स रीच करने हैं, जिसमें से अभी मैंने 4 करी है, और गाड़ी को बहुत तेज भगाते रहना होगा। भले ही मस्टैंग है बट मुझे पता नहीं ना यार कहाँ कहाँ कितनी कितनी दूर है, कब कितना ट्रैफिक। नहीं यार ड्रिफ्ट मारने की जरूरत नहीं है, मैंने ड्रिफ्ट मार के टाइम बचाने के चक्कर में बार बार गाड़ी ठोक रहा हूँ, थोड़ा स्पीड कम करके मोड़ूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो जरूरत ही नहीं है ड्रिफ्ट की, अच्छे कंट्रोल है भाई गाड़ी का। वो भाई गाड़ी कुदानी पड़ेगी अभी, नहीं अरे यार ये वाला तो थोड़ा सा एक्सट्रीम होने वाला है, क्योंकि इसमें गाड़ी कुदानी है, चेक पॉइंट हवा पे है। तो यहाँ से गाड़ी को मोड़ते हैं, वापस से लेके चलते हैं, एकदम निशाना सीधा रहेगा गाड़ी का, और इसी के साथ जंप हो गया। अभी भाई सिर्फ और सिर्फ 9 हुए हैं, क्या मजा आ रहा है भाई सिटी में, GTA वाइस सिटी में करते थे ये चीज। ओ भाई बढ़िया ड्रिफ्ट, अभी 12 हो चुके हैं, शायद से जंप करानी है, जंप है और इजी जंप। 15 हो चुके हैं, 10 और टाइम है अभी अपने पास। अबे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इजी है भाई मेरे लिए। एक गाड़ी भाग रही है इस टाइम पर 130 किलोमीटर पर आर पे ऑलमोस्ट। अबे भाई पुलिस वालों ने नाकाबंदी कर रखी है इधर, प्रॉपर ही किसी ने तो भाई के अलग ही भाई क्राइम कर रखा है। वैसे गाइस सही बताऊं ना, अभी इस टाइम पर मेरी गाड़ी की हालत ना कुछ ठीक ठाक बची नहीं है, या तो मुझे एक नई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, या फिर मुझे इस गाड़ी को बहुत सोच समझ के संभाल के चलाना होगा, क्योंकि अगर ये 2-3 बार और ठुकी ना भाई गाड़ी सीधा ब्लास्ट होगी और मैं मर जाऊंगा। अरे ओ भाई यार ना चाहते हुए भी ठुक गई। एक मिनट, लास्ट चेक पॉइंट हो गया काम। मुझे डर है कि गाड़ी लैंड होने के बाद ब्लास्ट ना हो जाए। 3-2-1 लेट्स गो। ब्लास्ट नहीं, बच गए उतर जाओ भाई गाड़ी से, उतर रहा हूँ मैं गाड़ी से, उतर के भाग जाओ।
गाड़ी में देख रहे हो भाई आग लग चुकी है। गाड़ी ने भाई बहुत पैसा दे दिया, मस्त रेस कंप्लीट करी, बट गाड़ी खत्म हो चुकी है। क्या कोई आसपास गैराज है? वो ब्लास्ट हो गई। अबे मैं गैराज ही ढूंढ रहा था मैप पे, गाड़ी फूट ही गई। चलो अच्छी बात है, बाहर आ गया। तू क्यों डर रहा है भाई? गाड़ी तो कब की फूट के भुज भी गई, तू भाग के जा रहा है। चलो भाई मस्त है यार, तगड़े तगड़े मिशंस करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया। बारी है एक बढ़िया गाड़ी लेने की, जिसके लिए मुझे ना बस $9,000 और चाहिए यार। रुको यार, तीन चार गैंगस्टर को मारूंगा ना, शायद से पैसा आ जाएगा। अबे भाई गैंगस्टर को मारने से पैसा नहीं मिलता, गोलियां मिलती है और पुलिस आ जाती है। गाड़ी में बैठ के भागना पड़ेगा। भाई पुलिस मेरे पीछे बहुत गंदी तरह पड़ गई है यार। देखो यार मैं ना दोबारा से थोड़ा बहुत कश्ती लगे ले काम कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे और मिल जाएंगे ना। अबे चलती गाड़ी से कूद गया मैं, गलती। ओए मैं चलती गाड़ी से कूद और गाड़ी एक बंदे पे जाके भिड़ गई। हाँ तो यहाँ पर भाई एक और डोर चैलेंज है। क्या काम हो रहा है भाई, ड्रग्स वगैरह अलग ही सप्लाई करवा रहे हैं। चलो ठीक है, मुझे ना कार को तीन जगह पर डिलीवर करना कहीं तो। ओ भाई क्या ड्रिफ्ट मारे हो भाई। चलो तो फर्स्ट कार को है यहाँ पर डिलीवर करना था, कार को डिलीवर होगा पर जिसको डिलीवर करना था बंदा ही मार दिया। दूसरा कार को बगल वाले घर में कहीं पे डिलीवर करना है, बढ़िया। और तीसरे कार को के लिए हमें आगे वाली रोड पे जाना है। भाई सारी लोकेशन आसपास की थी, एक सेकंड के अंदर ही काम हो गया। तो इस गाड़ी को हमें वापस से उसी जगह पर खड़े कर आना है जहाँ से हम लोग की गाड़ी उठाकर लाए थे। भाई पीछे लड़ाई हो गई थी, तो बेसिकली अभी ना हम लोग एक अलग ही ड्रग के बिजनेस में घुस चुके हैं, जहाँ पर हमें बार बार इस गाड़ी को ले जाना पड़ेगा, कार्गो वार्गो डिलीवर करके आने पड़ेंगे। और अभी हम थोड़ा अलग ही गैंगस्टर्स वैंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। अभी कर मारोगे क्या? ओ भाई बताता हूँ, इन्हें रुको गए अभी वापिस। फाइनली इसको भी पीट डाला, पुलिस वुलिस आएगी। भाई अभी गाड़ी में बैठ सकता हूँ मैं? नहीं, ये गाड़ी ना अपनी है नहीं एक्चुअल में। गाड़ी जो भी गाड़ी जो, ये बढ़िया गाड़ी लग रही है, भागना है मुझे यहाँ से भी। ओ भाई साहब ये तो मस्त कार है। भाई पुलिस गंदी तरह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, मुझे फटाफट से ना यहाँ से निकलना पड़ेगा। और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है भाई, उड़ रही है लिटरली। आओ इसको भी लेके उड़ने लग गई, हेड पे स्पीड गिर गई मेरी। चलो ठीक है, पुलिस ने मेरा पीछा छोड़ दिया है, गाड़ी को यहाँ पर रखते हैं और अभी अपनी एक नई गाड़ी भी खरीद लेते हैं। स्टोर व्हीकल्स $1,60,000 की, व्हाइट लू या ब्लैक? व्हाइट मस्त लग रही है यार थोड़ी, ब्लैक तो फुल माफिया वाली है। रेड ग्रीन नहीं है, रेड नहीं, व्हाइट लेने का मन कर रहा है यार। चलो बाय पर्सनल व्हीकल। चलो गाइस हम लोगों ने अपनी पर्सनल व्हीकल भी खरीद लिया है, ये है वो गाड़ी। इसका कलर अभी तुम्हें अलग दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसा हो रहा है ना, वेदर अजीब सा हो रखा है इसलिए पिंक दिख रही है, बट एक्चुअल में व्हाइट कलर की प्रॉपर बड़ी वाली SUV है। और अभी अपने पास एक मस्त माफिया कार हो चुकी है। वैसे मैं इसका कलर चेंज करा सकता हूँ, अभी माफिया कार नहीं कहेंगे भाई, ब्लैक कराने के बाद बोलेंगे इसे माफिया कार। बट ठीक है यार, देखते देखते रात हो गई, ये पुलिस स्टेशन है भाई। देखो यहाँ पे सारी पुलिस वालों की गाड़ियाँ खड़ी है, यहीं पे खड़ी कर देते हैं इसको। बढ़िया भाई ये है अपनी पर्सनल व्हीकल। तो चलो यार चोरी चकारी करते हुए तो बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, बहुत सारे मस्त मस्त मिशन करे और मैंने खुद आज पहली बार GTA ऑनलाइन जैसा गेम खेला मोबाइल पे। और देखो खुद देखो भाई क्या अलग फील आ रही है, ऐसा लग रहा है सच में मैं कोई रोल प्ले सर्वर ज्वाइन करके बैठा हूँ 5M पे। हाँ मतलब एग्जैक्ट सेम ग्राफिक्स तो नहीं है, बट मोबाइल के हिसाब से वो भी एक अच्छी डिस्प्ले पे खेलने में सेम फील आ रही है। तो यार तेरी किस बात की, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का फुल फायदा उठाओ और अपना अल्टीमेट गेमिंग मशीन अभी ऑर्डर करो। बाकी अगर आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कर देना, इस वीडियो पर एम करते हैं 600,000 लाइक्स के लिए। तो जाओ लाइक कमेंट दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और आपके जितने भी फ्रेंड्स GTA करते रहते हैं ना, तो देखो भाई रियल वाली तो मोबाइल पे खेलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो काफी मुश्किलें हैं उसमें। तो ये अल्टरनेटिव बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, उन लोगों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि तुम्हें सबसे बढ़िया मिशन कौन सा लगा इस गेम का। अभी तो यार बहुत चीजें इसके अंदर बाकी है। बाकी हाँ यार मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन उसे जाके दबा देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू बाय दिस डिवाइस। Yeah.